हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग किस वीडियो में देखने वाले हैं, क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 सर्कल एंड टेंजेंट का फोर्थ एक्सरसाइज। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहां पर है, देखो, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर देखो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपके पास बहुत सारे रेडियस हैं, डायमीटर हैं, सेगमेंट्स हैं। अगर आपको बोल रहा है कि ओ जो है सेंटर है और ये जो पी ओ आर एंगल है ये 130 है, तो आपको ये जो बचा हुआ जो रिमेनिंग एंगल x है ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ये ज़ूम कर लेते हैं, लेट एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू x तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको a अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि ये जो छोटा वाला जो एंगल जो बचा है ये छोटा वाला एंगल कितना है, a है। तो अब एक फ्रॉम अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक स्ट्रेट एंगल देखो फ्रॉम फिगर, अगर मैं लिखना चाहूं एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। देखो ये कंप्लीट एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेंगे। तो उसमें से तो देखो हमारे पास जो पी ओ आर है ना, ये जो पी ओ आर है इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है, 130 है। हमको यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, हमारे पास देखो आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180, 130 यहां जाके माइनस होगा, सो आर ओ क्यू विल बी कितना आएगा, 50 डिग्री। मतलब एंगल ए जो हमने अज्यूम किया हुआ था ना, एंगल ए हमारे पास कितना आया है, 50 डिग्री जो है आया हुआ है। अब ध्यान से देखो कि यहां पर जो है एंगल आर ओ क्यू एंड एंगल आर एस क्यू बोथ आर मेड अप ऑन सेम आर्क। ये देखो एंगल आर ओ क्यू और एंगल आर एस क्यू, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल क्या है, एक ही आर्क से बने हुए हैं, ठीक है। देखो दोनों एक ही आर्क से बने हैं कि नहीं, आर क्यू से, इसी आर क्यू से ये एंगल बना है, इसी आर क्यू से ये बना है, और ये जो पहला वाला जो एंगल है आर ओ क्यू वो सर्कल के सेंटर पर बना हुआ है। सो बाय थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय थ्योरम आपको पता होगा कि अगर कोई आर सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, इस केस में आर ओ क्यू, वो क्या होगा, डबल होगा वही आर्क जो क्या होगा, दूसरे किसी सर्कमफेरेंस के पॉइंट पर एंगल बना रहा होगा। तो अभी एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल एक्स। तो ये जो आर ओ क्यू है ना वो एंगल एक्स का क्या होगा, डबल होगा, तो हमको तो एंगल एक्स चाहिए, तो ये 2 इधर आकर इसको डिवाइड करेगा, सो आर ओ क्यू का हाफ हो जाएगा। सो देखो आर ओ क्यू हमने पहले ही निकाल दिया है 50 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एंगल एक्स, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 डिग्री जो है आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस यहां पर जो है कंसेप्ट जो है वो दूसरा लगेगा। अभी आपके पास देखो कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और उनकी वैल्यूज आपको पता है, जैसे कि ये एंगल 45 है, ये एंगल 60 डिग्री है, हमको ये कंप्लीट एंगल जो है x फाइंड करना है। सो देखो आप गिवन दैट करके तो सब चीज को लिखोगे, डायग्राम बनाओगे सॉल्यूशन करते समय, मैं डायरेक्ट उसके बाद का बता रहा हूँ ना, ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, सारे एंगल्स की वैल्यू लिखोगे, गिवन दैट लिखोगे, फिर यहां से स्टार्ट करोगे। फ्रॉम फिगर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्यों पूछो, ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल है, तो रीजन है एंगल्स आर मेड अप ऑन सेम सेगमेंट। अगर एक सर्कल है और एक सर्कल में एक सेगमेंट है, और अगर सर्कल के सेगमेंट से कोई भी दो एंगल अगर बनते हैं तो वो दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, सो ये वाला एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। अब देखो इन ट्रायंगल सी बी ए या ए सी बी भी बोल सकते हैं, ए सी बी में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करता हूं, सो एंगल सी प्लस सी ए बी प्लस एंगल बी, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, 180 फॉर्म करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये एंगल, ये वाला एंगल 60 वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल 180 फॉर्म करेंगे ना। तो सी की वैल्यू तो अभी अभी हमने निकाली है, कितना है, 45 है, सी ए बी हमको पता है 60 है, एंगल बी हमको चाहिए इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। फिर देखो 60 प्लस 45 105 हो जाएगा, 105 यहाँ के माइनस होगा, सो
तो एंगल बी कितना आएगा हमारे पास 75 डिग्री जो है यहां से आएगा। सो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 डिग्री जो है हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी इन द फिगर। अभी हमको एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और यहां पर देखो सेंटर के साथ जो एंगल बना हुआ है ना वो एंगल कितना है 120 डिग्री हमारे पास बना हुआ है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहां पे देखो ये वाला एंगल कितना दिया है 120। अगर मैं ए यहां पर एक नाम लिखता हूं डी और सी, अगर मैं ए डी सी को एक आर्क कंसिडर करता हूं तो ये जो आर्क है ये कितना एंगल बनाएगा सर्कल के सेंटर के साथ, मतलब ये वाला एंगल बनाएगा, यही वाला एंगल ना बनाएगा ए डी सी। तो एक पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360, ठीक है। सो यहां पर ये जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना होगा 360 माइनस 120, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 240 होगा, ठीक है। तो ए डी सी आर्क ने सर्कल के सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया 240 डिग्री, ठीक है। तो यही जो आर्क है वो अगेन सर्कल के सेंटर के साथ देखो यहां पर एंगल बी बना रहा है, वही तो आर्क है ना, देखो ए से चालू हुआ है सी पे खत्म हुआ है, तो वही आर्क सर्कल के सेंटर के साथ बनाया 240, इसके साथ कितना एंगल बनाएगा। तो देखो एंगल ए बी सी जो होगा वो सर्कल, ये डबल होगा किसका, जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बना हुआ है, मतलब 240 का। तो यहां से ए बी सी कितना आएगा 240 अपॉन में 20, मतलब कितना एंगल आ जाएगा 120 डिग्री जो है आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ समझ में आ गया होगा आपको, अभी हमने आर्क जो लिया वो ऊपर वाले को लिया है, ऊपर वाला आर्क सर्कल के सेंटर के साथ 240 बनाया और यही ऊपर वाला आर्क बी वाले एंगल के साथ क्या एंगल बनाएगा, मान लेते हैं एक्स, तो ये जो एंगल है वो सर्कल के सेंटर के क्या होगा डबल होगा थ्योरम से, तो यही कंडीशन बनेगी ना। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड प्रूव दैट एडी इज पैरेलल टू बीसी। दो काम करनी है, पहले तो वैल्यू फाइंड करनी है फिर सेकंड पैरेलल प्रूफ करना है। देखो इन ट्रायंगल ओसीबी, ओसीबी में जो ओसी है और ये जो ओबी है दोनों इक्वल है, क्यों, रीजन है रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों क्या है सर्कल के जो है रेडियस है। अब आपको पता होगा कि अगर एक सर्कल में अगर दो साइड अगर सेम है तो उसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब अगर ये एंगल ए है तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूँ, ओसी का अपोजिट एंगल है 50 डिग्री, ओबी का अपोजिट एंगल है एंगल ए, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 50 डिग्री आएगा, क्यों, रीजन यहां पर आप क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ये रीजन है। अब इसी ट्राइंगल में देखो अगर एंगल ए करना चाहूं और मान लो इसका नाम है एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 50 डिग्री तीनों मिलकर 180 फॉर्म करेंगे, तो एंगल ए तो 50 है, तो 50 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180। जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो एंगल बी की वैल्यू 50 प्लस 50 हो जाएगा 100, 100 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा एंगल बी 80 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो एंगल बी 80 डिग्री है, तो अगेन हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, देखो फ्रॉम फिगर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दैट्स व्हाई एंगल एक्स जो होगा एंगल एक्स भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री आएगा। तो पहला पार्ट का आंसर हमारा आ गया। अब हमको यह प्रूफ करना है कि एडी और बीसी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो अगेन इन ट्रायंगल ओ डी ए, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, अगेन सेम रीजन, अगर एक ट्राइंगल में दो साइड अगर सेम है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। सो लेट से ये है एंगल वाई और ये है एंगल जेड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड जो है हम लोग लिख सकते हैं।
अब अगर इसी ट्रायंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल एक्स तो हमको पता है और वाई और जेड दोनों सेम है, तो इसका नाम मैं चेंज करके लिख देता हूं एंगल वाई और वाई। एक्स की वैल्यू हमको पता है 80, ये 80 यहां जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा। कैसे हुआ समझ में आया ना, ये इसके प्लेस में मैंने रखा 80, ये 80 यहां जाके माइनस हो गया। अब ये दोनों एंगल सेम है देखो, तो जेड का नाम में चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 100, तो एंगल वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 50। तो अगर वाई 50 है इसका मतलब जेड भी 50 होगा, सो ये एंगल 50, ये एंगल 50। अब देखो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों एंगल 50-50 है। देखो ये वाला तो 50 हमको गिवन था, ये वाली वैल्यू हमने निकाल के दिखा दी 50 है। एंड आप लिखोगे डीबी इज अ ट्रांसवर्सल, डीबी इज अ ट्रांसवर्सल। तो देखो डीबी एक ट्रांसवर्सल है जो कि लाइन एडी और लाइन बीसी के साथ क्या कर रहा है, सेम एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप यहां पर एक सेंटेंस लिखोगे, कहां पर लिखोगे, हाँ यहां पे मैं लिख के बता दे रहा हूं, क्या लिखोगे, डीबी इज अ ट्रांसवर्सल विच कट्स डी ए एंड बी सी एंड मेकिंग इक्वल एंगल, एंड मेकिंग इक्वल एंगल। तो देखो सो एंगल डी एंड एंगल बी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पढ़े होगे ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, अगर एक ट्रांसवर्सल है जो कि अदर दो लाइनों के साथ सेम एंगल बना रहे तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो डी ए इज पैरेलल टू बी सी, बस एक ट्रांसवर्सल हमको मिल गया, उसने दो लाइनों के साथ क्या किया, सेम एंगल बना दिया। सेम एंगल बना दिया तो ऐसा काम कौन कर सकता है, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनता है, जब दो लाइनें पैरेलल हो। तो इसीलिए डीए और बीसी को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन फिगर ओ इज द सेंटर, ओ क्या है आपका सेंटर है, एंड सर्कल एंड द डीओ एंड ए बी इफ ओडी इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहां पर कुछ और लिखा हुआ है कि ओडी इज परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ठीक है आप इसको करेक्ट कर लो, ओडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। तो एक काम करते हैं इसको परपेंडिकुलर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको गिवन क्या है, देखो ओडी की वैल्यू हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर। यहां पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखो सबसे पहला ट्राइंगल है इन ट्राइंगल सी ए बी एंड ट्राइंगल ओ डी बी, ये दोनों हमारे लिए क्या है, ट्राइंगल है। अब यहां पर देखो, अच्छा ये एंगल 90 होगा, ये आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि बी सी इज द डायमीटर, और डायमीटर सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ कहीं पर भी एंगल बनाए वो हमेशा 90 होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हो क्या कि सिंस बी सी इज अ डायमीटर सो एंगल ए विल बी 90 डिग्री। समझ में आया ना कि अगर एक डायमीटर है, डायमीटर सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ कहीं पर भी एंगल बनाए वो एंगल 90 होता है। तो ये एंगल 90, ये तो हमको ऑलरेडी 90 पता ही है। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग लेते हैं, तो दोनों ट्राइंगल में मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन क्या लिखूंगा, इच इज 90 डिग्री लिखूंगा। फिर उसके बाद देखो एंगल बी और एंगल बी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, बाई एंगल एंगल रूल ट्राइंगल सी ए बी इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन है ना, ओ डी बी। अब अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है आपस में तो उसके करेस्पॉन्डिंग रेशियोज जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे उनको हम लोग आपस में प्रोपोर्शनल में करते हैं। तो जैसे कौन कौन से प्रोपोर्शनल में होंगे, सो एसी का जो साइड होगा, देखो एसी
एसी का अपोजिट कौन होगा, डीओ या फिर ओडी बोल सकते हैं। तो यहां पर करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, एसी, और एसी के करेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, डीओ होगा। ये बराबर होगा किसके, देखो एबी, एबी के करेस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है, डीबी, और उसके बाद एक और हमारे पास बचा बीसी, बीसी के करेस्पॉन्डिंग छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा साइड है, ओबी। ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सब आपस में अगर इक्वल है तो मैं इसको भी तो आपस में इक्वेट कर सकता हूँ, एसी इसको डीओ को ओडी लिख सकता हूँ, और बीसी और मैं क्या कर सकता हूँ, ओबी को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ इन दोनों को, ठीक है। सो ओडी हमारे पास कितना है, अब यहां पर देखो ओडी की वैल्यू हमारे पास 5 है। ये जो बीसी है, बीसी क्या है, डायमीटर है, तो इस बीसी को मैं क्या, ये तो यहां से लेके ओ से लेके बी और ओ से लेके सी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि रेडियस होगा, तो ओबी इज इक्वल टू ओसी होगा, तो और बीसी क्या होगा, इन दोनों का समेशन होगा, तो मैं बीसी को क्या लिख सकता हूँ, 2 times ऑफ ओबी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर देखो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, पहले बीसी को ध्यान से समझा, बीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओबी प्लस ओसी लिख सकता हूँ। देखो बीसी बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट प्लस ये छोटा पार्ट मिलकर बीसी बनाएंगे, और ओ से लेके बी और ओ से लेके सी दोनों रेडियस है तो दोनों आपस में इक्वल भी हो जाएंगे, तो इसमें से मैं किसी का भी एक का नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ओसी का नाम लिखना चाहूँ ओबी तो भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, या अगर मैं ओबी का नाम ओसी लिखना चाहूँ तो ओसी भी लिख सकता हूँ, तो 2 times ऑफ ओसी भी लिख सकता हूँ। लेकिन 2 times ऑफ ओसी लिखने से कोई काम नहीं होगा, ओबी लिखने से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, एसी इज इक्वल टू 5 times 10, और हमको क्या ढूंढना था, एसी की वैल्यू ढूंढनी थी, तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साथ, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बाय बाय।